बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तदा है अल्लाह जल्ला शानहू के बाबरकत नाम से, जो बहुत बड़ा रहम और करम करने वाला है। सामईन इकराम, तमाम दोस्तों, सब देखने और सुनने वालों, आप सबको वेलकम। बिस्मिल्लाह जी आयानू। आप देख रहे हैं YouTube चैनल हकीकत की बातें। तो सभी दोस्तों के लिए दुआगो हूँ, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ज़िंदगी में कामयाबियाँ दें। सामईन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान बनाया और अशरफुल मखलूकात का लकब हमें दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी। तो यही वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे साथ रहिएगा और इसी वीडियो के आखिर में दुआ में शामिल होकर आमीन लाजमी कह दीजिएगा। सामिन इकराम, आज से चंद रोज़ पहले, जो कि एक वाकया मीनार पाकिस्तान के साए थले हुआ, जिसकी बहुत ज़्यादा ही मजम्मत की जाती है, और मैंने जब जिधर देखा मुझे जो नज़र चीज़ आई कि काफ़ी यूट्यूबरों ने, काफ़ी चैनल वालों ने इस पर वीडियो बनाई। और ये सोचने वाली बात है, ऐसे वाकयात जो कि हमारे ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं, तो हमें एक इंसानियत पर और पाकिस्तानी ख़ास तौर इस बात को क्या महसूस करेंगे? क्या अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया इंसान बना के, इंसान हो के सोच और समझ रखते हुए जो हरकतें हैं वो हवा नाली हों? तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान है तो इंसान की सोच भी इंसान वाली होनी चाहिए, उसके काम, उसका तरीक़ाकार इंसानों वाला ही होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआए करें कि सबको ही शर्मो ही आका पैकर बनाए। मोहतरम, इस वाक़े की मजम्मत ही है और क्या हो सकता है। तो अभी ये एक बहुत लम्बा एक प्रोसीजर चलता रहा है कि यौम आज़ादी के दिन, जिस दिन हमें ये खिता हमें मिला, उसकी हम अब खुशी मना रहे हैं, और उस की याद में जो एक मीनार पाकिस्तान बनाया गया, उसके साए थले होने वाला ये वाकया, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक धब्बा है, इसको सोचना होगा। इससे पहले जो वाकयात होते हैं हमारे मुआशरे में, उसको भी सोचना होगा और देखना होगा क्यों क्यों कैसे ये वाकया हो रहे हैं। क्या अल्लाह पाक ने हमें इंसान नहीं बनाया? क्या हमें हमारे आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? क्या हम वो सारी चीज़ें भूल गए हैं? मोहतरम, इन चीज़ों को देखना होगा, अपने मुआशरे को, इस गए गुजरे दौर को हमें देखना होगा कि ऐसे वाकयात जो कि इंसानियत पर बहुत बड़ा धब्बा है, इसे हम धब्बा ही कह सकते हैं, हम किसी की पर्सनल लाइफ पर नहीं जा सकते, चाहे कैसी किसी की है, क्या कोई कर रहा है, लेकिन इंसान होने के नाते हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हमारी हमायत मजलूम के साथ होनी चाहिए। अभी इस वाक्या को हम जुल्म कहेंगे या मजलूम कहेंगे, क्या हम आप इस चीज़ को क्या नाम दे सकते हैं? मोहतरम, मेरी
तमाम वालदैन से गुजारिश है अपने बच्चों का ख्याल रखें, इस दौर को सोचें और अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि ऐसे वाक़यात हमें दोबारा ना मिलें। अपने बच्चों को वो तलीम दें जो हमें हमारी दीनी किताबें और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमें और आपकी सुन्नत हमें जो आपकी ज़िंदगी हमें तालीमात देती है वो तालीमात हमें अपने आप को और अपने बच्चों को देनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं इससे बचा जा सके। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया लेकिन इंसान होने के नाते हमारे काम जो हैं जो एक शैतानी फेल है जिस पर तमाम के तमाम लोग टूट पड़े, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे। तो प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी है, ये सांस चल रही है, आज ज़िंदगी है, कल को हमने इस दुनिया से चले जाना है, तो फिर अपने खालक को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर कल को हमारे खालक ने ये पूछा कि तुम दुनिया में क्या करते थे तो हम क्या दिखाएंगे। हम इंसान होने के नाते हवानियत पर हमारा ये शऊर था, अल्लाह माफ़ करे, हमारी अकल किधर जाती है। तो जो सुलझी और जो कौमें तरक्की करती हैं वो ऐसा नहीं करती। अल्लाह पाक हर किसी को हदायत दे और हर किसी को इन बातों पर सोचने और समझने की तौफीक दे। और ख़ास तौर मैं अपनी बेटियां और बहना जो भी घर से बाहर निकलें बापर्दा और जो तरीक़ाकार हमें सलामी किताबों में मिलता है उसका अहतमाम करें ताकि शैतानी फील से बचा जा सके। तो जो ऐसे हुल्लड़बाजी कर रहे हैं किसी दूसरे की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझते, अल्लाह पाक उनको भी हदायत दे। तो मेरी सभी के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को अपना रहम करम और फ़ज़ल फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ही है इस गए गुज़रे दौर के अंदर इस मुआशरे को हदायत नसीब फरमाए। हम सब एक मुआशरा हैं, हम सब एक पाकिस्तान हैं, हम सब एक इंसानियत हैं। जब हम सब एक दूसरे के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह हमारा आने वाला वक़्त बेहतर हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ सब एक इस बात पर अज़म करें कि हम सब एक हो जाएं, जो पाकिस्तान का मकसद है वो पूरा करें और अपने मुआशरे के लिए बेहतर सोचें। अल्लाह पाक हम सब पर ही अपना रहम करम और फ़ज़ल फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और बातें मेरी अच्छी लगें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आइए मिलके दुआ करते हैं, अल्लाह पाक अपना रहम करम और फ़ज़ल फरमाए, हर बीमार को शफा अता फरमाए, हर बेरोज़गार को हलाल रिज़्क़ के सबब नाज़िल फरमाए, सभी इंसानियत को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इस गए गुज़रे दौर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए रहम करम और फ़ज़ल से नवाजे। जो मुश्किल वक़्त है, जो परेशानी है, जो आफत पूरी दुनिया से फैली हुई है, अल्लाह पाक इस आफत से तमाम इंसानियत को महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ जो मज़लूम लोग हैं उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको भी मज़लूम का माल जान इस्तानिया फास्तान फरमाए और ज़ालम का हाथ रोके। हर परदेसी मुसाफर की खैर फरमाए, जो हम में से चले गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सुने अल्लाह पाक के वाले, अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर। ओके जी, रब रखा।